सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा भाई शोल्डर अभी भी वो थोड़ा सा है ना, रिकवरी वाला पेन है उसमें अभी भी। मैंने बोला था ना भाई, ये जब इलाइट बॉडी बिल्डर्स, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स के जब आप शेड्यूल फॉलो करते हो ना, तो लिटरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप लोग भी ये ट्राई करना, मतलब जो पावर लिफ्टर्स लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग कभी जब ऑफ सीजन जाएंगे तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। एंड मेरा अभी तो भाई रेस्ट चल रहा है, तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ। आज मेरा बैक सेशन है, मतलब आज मेरा बैक का वर्कआउट है। तो आज मैंने सर्च किया था गूगल पे, लेजेंडरी बैक इन द बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। तो भाई ही इज द बिगेस्ट पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डर, वी कैन से मिस्टर रोनी कोलमैन। एंड उनका आज हम लोग फॉलो करने वाले हैं रूटीन। चार्ट्स दिख रहा है, यही दोनों है, तो इसी दोनों के थ्रू चलेंगे। भाई मेरे को कल पता चला, जब मैं कल देख रहा था कि तो मेरे को दिखा कि थिकनेस के लिए अलग से ट्रेन किया जाता है एंड विथ के लिए अलग से ट्रेन किया जाता है। ये मेरे को पता नहीं था, लिटरली नहीं पता था। मैं सोच रहा हूँ ये थिकनेस और विथ क्या है, फिर मैंने दो तीन और साइट्स खोले तो सब में वही दिख रहा है। तो मेरे को पता चला कि भाई थिकनेस के लिए अलग से ट्रेनिंग की जाती है एंड विथ के लिए अलग से ट्रेनिंग की जाती है। एंड आप लोग इस दोनों में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, बारबल रोइंग। तो भाई बारबल रोइंग एक में स्किप कर दूंगा मैं, एंड बाकी टोटल जैसे 8 एक्सरसाइजेस हो रहे हैं तो मैं 7 एक्सरसाइजेस करूंगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग डेडलिफ्ट से, रोमेनियन डेडलिफ्ट में करूंगा एंड लो वेट्स पे। हाई वेट्स में एकदम नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको पता है हेवी वेट्स जाना ही होता तो मैं इस तरफ आता ही क्यों। तो लो वेट्स में करूंगा 70 kgs और 100 kgs मैक्स, क्योंकि मेरा 70% तो 127.5 kg समथिंग है और 130 kg समथिंग है। तो उस हिसाब से मैं 70 या 100 kgs पे ट्रेन करूंगा अपना। बहुत जन को मेरे को लग रहा है कि RDL एंड SLDL का डिफरेंस भी नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ, मेरे वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। SLDL होता है, क्यों बताओ भाई, यहाँ पर और आगे बढ़ो, जब हम लोग डेडलिफ्ट करेंगे तब बता देंगे SLDL और RDL में डिफरेंस। बने रहना वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ SLDL एंड RDL में डिफरेंस क्या है। बहुत जनों को पता नहीं था, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर। वैसे तो मेरा प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है, बस फिर भी पावरलिफ्टिंग से जुड़ा ही रहना है भाई। तो SLDL में क्या होता है कि SLDL का फुल फॉर्म पहले आप जान लो। SLDL का फुल फॉर्म है स्टिफ लेग डेड लिफ्ट, ठीक है, SLDL। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, हम लोग का जो लेग्स है वो पूरा स्टिफ रहता है, ऐसे अगर स्ट्रेट है तो पूरा स्ट्रेट रहेगा। ये हम लोग जैसे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के टाइम पे, ये जो अप्रोच करने के टाइम पे हम लोग ये मोड़ते हैं ना, ये मोड़ना नहीं है, हम लोग का लेग पूरा स्टिफ रहेगा एंड फिर हम लोग वेट बार को अप्रोच करेंगे एंड जस्ट वहां से पुल कर देंगे। ये हम लोग का लेग से कुछ नहीं होना चाहिए एंड प्रॉपर जब हम लोग नीचे रखेंगे तो ग्राउंड से टच होना चाहिए वेट। देखना भी कैसे, ये मैंने मेरा लेग्स पूरा स्टिफ है, मैं जाऊंगा अप्रोच करूंगा बार को अप्रोच किया, ये था SLDL। जब मैंने रखा मेरा लेग्स पूरा स्टिफ था, तो इसको बोलते हैं SLDL। अब हम बताएंगे RDL। RDL क्या है, RDL का फुल फॉर्म होता है रोमेनियन डेडलिफ्ट। रोमेनियन डेडलिफ्ट में क्या होता है कि हम लोग एक बार जब वेट को पुल कर लेते हैं, उठा देते हैं पूरा वेट को, तो वेट को नीचे पूरा ड्रॉप नहीं करते हैं, इतना ऊपर से ही वापस से पुल कर लेते हैं। अभी देखना, मैं वो बताता हूं, पुल किया, अब मैं नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर से ही वापस उठा लूंगा। तो भाई बहुत जन को मैंने क्लियर कर दिया RDL एंड SLDL में डिफरेंस क्या है एंड SLDL का मतलब क्या होता है एंड RDL का मतलब क्या होता है। ये दोनों आप लोगों को पता चल गया कि SLDL में कैसे वर्कआउट करना है एंड RDL में कैसे वर्कआउट करना है। अब हम लोग अपना बॉडी बिल्डिंग वाला वर्कआउट चालू करते हैं, लेट्स गो भाई। अब चलते हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ। मैं डायरेक्टली आप लोग को जो टॉप सेट है वही दिखाऊंगा, आज का टॉप सेट। मतलब मेरा ज्यादा हैवी, मैंने बताया कि मैं ज्यादा हैवी लूंगा नहीं, तो 100 केजीज पे ही मेरे को 4 से 12 रिपीटेशन। देखो जो हम लिखा हुआ है वहां पर शेड्यूल में, वहां डेडलिफ्ट में 4 सेट्स मारना है 6 से 12 रिपीटेशन। तो भाई देखते हैं कितना रिपीटेशन आता है, लोअर बैक का तो आप लोगों को पता ही है, देखते हैं मजा आएगा। बने रहना वीडियो में आगे, जल्दी से आप लोगों को दिखाते 100 किलो। Wanna be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit then I'll get it right now. वो था 5 repetition भाई। मेरा ना लोअर बैक जहाँ पर पेन कर रहा था वहाँ पर हमको लग रहा था कि अगर हम एक और रेप लिए तो वहां पर पेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हम रिस्क नहीं लिए। हम और ले सकते थे बट नहीं भाई, ऐसे रिहाब में चल रहे हैं, पूरा का पूरा लोअर बैक चल जाएगा, उससे अच्छा कि थोड़ा रेस्ट ले लेके करें। मैंने कुछ और भी डिसाइड किया है
कि जैसे 7 एक्सरसाइजेज है टोटल 7, तो मैं सिर्फ 4 एक्सरसाइजेज आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 7ों का 7 दिखाने लग जाऊं तो भाई बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, उसमें आप बोर भी हो जाओगे। इसलिए मैं करता हूं कि मैं 4 एक्सरसाइजेज दिखाऊंगा। एक डेडलिफ्ट देखा अभी, अभी हम लोग चलेंगे वन आर्म डंबल रोइंग पे, सिंगल आर्म डंबल रोइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, हैवी पुश करेंगे। उसमें हैवी पुश करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा अपर बैक बहुत अच्छा है, उसमें हम हैवी पुश कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 35 केजीज डंबल, क्योंकि भाई 40 केजीज ज्यादा हैवी हो जाएगा। लोअर बैक को भी देख के चलना है, पूरा एक्सेसिव हैवी भी कुछ नहीं कर रहा है, बट सबसे हैवीएस्ट डंबल हम लोग का जिम में है 40 केजीज, तो मैं उससे 5 किलो नीचे 35 केजीज पे करूंगा। सो देखते हैं कितना रेपिटेशन निकलता है। ऐसा तो उसमें दिया हुआ है एक हाथ से कम 10 से 12 रेपिटेशन आना चाहिए, हम देखते कितना निकाल पाते हैं। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. 12 निकल गया भाई, 12 निकल गया। सेम इधर से भी करना है। इन एक्सरसाइजेस की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, आपके एबिलिटीज को पुश करवाने में बहुत हेल्प करता है। पावर लिफ्टिंग भी करता है, बट ये भी आपके एबिलिटीज को बहुत पुश करता है, क्योंकि छोटा मसल हम हमेशा बोलते हैं ना, छोटा मसल जितना ट्रेन हो सकता है उतना अच्छा है। लेट्स गो फॉर द लेफ्ट हैंड। नहीं देखा, मैं लोगों को बता दूं मेरा लोअर बैक में थोड़ा इंजरी चल रहा है, इस वजह से मैं लिफ्टिंग की वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बॉडी वर्कआउट पोस्ट कर रहा हूँ। एंड आज रॉनी कॉलमैन सर का है। ये सब वर्कआउट्स भाई करते हैं, वो सोच रहे हो आप कितना इंटेंस होता होगा। हम लोग तो 35 केजीज में हाँप रहे हैं, 60 केजी 70 केजी 80 केजी का डंबल होते हैं भाई उन लोगों के पास। सिंगल आर्म डंबल रोइंग करते रहते हैं। पावर रिपीटेशन, ऑब्वियस रिपीटेशन, फर्स्ट स्ट्रेंथ है भाई। ये हो गया सिंगल आर्म डंबल रोइंग, अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। सो भाई अभी है सीटेड केबल रोइंग। सीटेड केबल रोइंग होता है कि आपको यहाँ पर बैठना होता है, इसको पुल करना होता है। जब मैं करूंगा तो आप लोग देख ही लोगे। ट्विस्ट ये है कि वहां पर लिखा गया था कि सिर्फ 10 से 12 रेप रहेगा, 10 से 12 रेप का 4 सेट, बट एक ट्विस्ट क्या किया मैंने, 3 सेट तो मेरा हो गया है लास्ट सेट का, तो मैंने कहा कि 60 केजीज लोड कर दिया है, यहाँ पर 60 केजीज का लोड कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड इस 60 केजी से मैं क्या करूंगा कि 60 केजी पे 2 रेप मारे, फिर बोलूंगा एक भाई को कि वो वेट कम कर देगा, तो इसको और इंटेंस बना देते हैं अपन लोग, क्या बोलते हो? इंटेंस हो जाएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग ड्रॉप सेट की तरह भी गिन सकते हैं कि ड्रॉप सेट टाइप है। तो चलो देखना, मजा आएगा। भाई बोलो जाए भाई, ऐसा नहीं बेचते भाई, इंटेंस होते जा रहा है। अभी तक तो 3-3 रेप आ रहे हैं। फोरआर्म्स ना जवाब दे दिए, देखो फोरआर्म्स पर पंप हो गया। कि केबल जब आप सीटेड केबल रोइंग करते हो ना, तो फोरआर्म्स सबसे पहले जवाब देता है, मेरे साथ भी वही हुआ है। बाकी बैक का पंप दिखाता हूँ अभी। बैक का अच्छा पंप हो गया, लेकिन फट गई। लास्ट दिखाएंगे आप लोग को अंडर आर्म पुल डाउन, मजा आएगा। तो इट्स टाइम फॉर अंडर हैंड पुल डाउन। आज का लास्ट एक्सरसाइज है ये, इसका 3 सेट है 10 से 12 रिपीटेशन का। पहला सेट ही आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तीसरा सेट तक बचू ना बचू पता नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लाइट आया तो अब टी शर्ट खोलूंगा, आई गेस ज्यादा अच्छे से दिखेगा आप लोग को बैक का कट्स एंड ऑल। देखना, बने रहना वीडियो में आगे तक। 40 केजी से करूंगा, 12 रिपीटेशन तो चाहिए भाई, देखते कितना आता है। I feel faithless.
Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. अभी और दो सेट है इसका, तो सोच लो कितना हेक्टिक होने वाला है। मिलते हैं भाई आपको लेस वीडियो के एंड में डायरेक्टली। तो भाई आज का वर्कआउट वहीं पर खत्म होता है। बैक इंटेंसली ट्रेन हुआ है एंड अभी भी बहुत पंप फील हो रहा है। घर जाते आती भी रहेगा ऐसे करके चलो। नहीं भाई भाई, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। बाय बाय।